शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। इस वीडियो में सीएम शिवराज ठहाके लगाते हुए नजर आए। ये बड़ी बड़ी बीमारी आ गई है। मुंह में ढुली बांध देते थे, बसुका लगा देते थे, दाढ़ी नहीं कहा जाए। तो आजकल तो कोरोना ने आदमी बसुका लगा देते भाई पुलिस के बात को आ जाने दो। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि ये उस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं सत्ताधारी दल के ठहाके हैं, जहां 7,645 संक्रमित, 334 मौतें, 100 मजदूरों की मौत, सभी जिले संक्रमित हैं, पुलिस डॉक्टर की मौत हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कल एक वीडियो आपका सामने पब्लिक में आया है, जिसमें आप हंसी ठिठोली करते हुए दिख रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कोविड की मौत का जो मातम है वो आपके चेहरे और दिमाग और दिल में कहीं भी नहीं है। आपके यहाँ सभा में जो लोग आते हैं उनको पास मिलती है और लॉकडाउन में जनता को डंडे। आपने कम से कम एक बात वीडियो की मुझे पसंद आई कि अभी तक जिस बात को आप बार बार नकारते थे कि किसान कर्ज माफी इस सरकार ने की नहीं, आपने कहा कि 6,000 करोड़ रुपया कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफ किया है। मुख्यमंत्री जी, इस कर्ज माफी को आप धोखा बताते थे और आपका कृषि मंत्री इसको पाप बताता है। मैं मानता हूं कि दो चरण की कर्ज माफी का कार्यक्रम कमलनाथ सरकार ने कर दिया है, 25 लाख किसानों को इसमें सहायता मिली है। चूंकि आप उसी मैंडेट को लेकर सत्ता आपने हथियाई है, तो 2 लाख रुपए तक का तीसरे चरण का कर्ज माफ आपको करना चाहिए। मेरा आपसे प्रार्थना है कि किसान बहुत दर्द में है, आप हंसे कितना भी पर दुख उससे बहुत भयंकर है। किसान का प्याज खरीदो, उसका भावांतर दो और किसान का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करो और सही तुलाई करो, यह आपका दायित्व है। कृपया करके इस धर्म को निभा। भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।